क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर देश में जोर शोर से बहस भी जारी है। और अब इस मुद्दे पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा आपस में भिड़ गए हैं। Yes, you heard that right. So, what is their take on the Uniform Civil Code? ये सब जानने से पहले और details में जाने से पहले, नमस्कार, मैं हूँ रेशम राम, देख रहे हैं DNP India Firstly. Welcome back to our channel. अगर अभी तक आपने हमारे channel DNP India को subscribe नहीं किया है, then what are you waiting for? Please कर ले। और इस video को और हमारे channel की बाकी सारी videos, like all the videos that you like and love, उन्हें भी please share करें। Thank you. जहाँ मैं आपको बता दूं कि ओबीसी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश में कोई जरूरत ही नहीं है। जहां तक गोवा में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो उसमें कहा गया है कि अगर किसी हिंदू पुरुष की पत्नी 30 साल की उम्र तक किसी लड़के को जन्म नहीं देती है, तो वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है, उसे उसकी परमिशन है। Yes, you heard that right. So, कि सरकार इस तरह के UCC को पूरे देश में लागू करना चाहेगी, जहां देश के लॉ कमीशन में भी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो था द स्टेटमेंट बाय ओबीसी। वहीं ऑन दी अदर हैंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओबीसी के आरोपों का असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार दिया है। जहां हिमंता ने कहा है कि देश में हर आम नागरिक UCC चाहता ही है। कोई भी मुस्लिम महिला कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति घर में 3 और बीवियां ले आए। अगर विश्वास नहीं हो तो किसी भी मुस्लिम महिला से पूछकर देख लीजिए, उसके विचार तुरंत ही सामने आ जाएंगे। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मेरा इश्यू नहीं है, यह देश के हर एक आम नागरिक और मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है। जिस तरह ट्रिपल तलाक खत्म करने से उन्हें इंसाफ दिया गया है, उसी तरह UCC को भी लागू किया जाएगा। वहीं एक और बात, ओबीसी ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है, चैलेंज करते हुए कहा है कि किसी के मायके लाल में दम नहीं है कि हमें यानी मुसलमानों को पंचिंग बैग बना देगा। देश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। होड़ लगी है कि हिंदुत्व को मानने वाले सबसे बड़ा कौन है। इस कॉम्पिटिशन में सभी नेता और पार्टी आगे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर दी है। जहां यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने का सपोर्ट दिया है और एक एडवाइस भी दी है। जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकारों ने भी ऐसी ही बात कही है, सिमिलर बात कही है। वहीं माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक कुछ राज्यों में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। और माना यह भी जा रहा है कि अगर राज्यों की इस पहल पर ज्यादा बवाल नहीं होता है, तो फिर केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का कदम उठा सकती है। सो विच साइड आर यू ऑन, कि उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए या नहीं? डू लेट अस नो योर टेक एंड इनसाइट्स इन द कमेंट डाउन बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।